राज जी, जिस तरह से नमस्कार, फर्स्ट पोस्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बात करते हैं उनसे। गिरिराज जी, जिस तरह से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, आपका जो कुछ स्टेटमेंट आया उसके बाद वहां पर सियासी तापमान काफी बढ़ा। राबड़ी देवी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को बिहार में आने नहीं देंगे। ये चोरी और सीना जोड़ी हुआ, समाज में माहौल बिगाड़ने का काम आरजेडी ने शुरू की। अररिया में चुनाव के पहले जहर घोल रहे थे, चुनाव जीतने के बाद महादेव की माया का अगर वो वीडियो नहीं आता और वो खुद एक्यूज्ड नहीं गसता तब तो क्या आरोप लगता। चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के पहले माहौल खराब करने का काम आरजेडी किया। और सिनाजोरी कहा यह बीजेपी का कार्यकर्ता है, जब उसने कमिट कर लिया तब जुबान चुप हो गई। क्या नारे लगा रहे थे? भारत मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये माहौल खराब कौन कर रहा है? उसके बाद दरभंगा में रामचंद्र यादव की हत्या इसलिए कि मोदी चौक नाम रखा। लोकतंत्र में इतना भी अधिकार नहीं देंगे आप? आप इतने बलिष्ठ हो गए, सामाजिक समरसता के नाम पर लोग की जुबान बंद कर देंगे, तलवार से सर कलम कर देंगे और कहेंगे कि गिरिराज सिंह और सुनील चौबे माहौल बिगाड़ रहे हैं। अररिया में जिस तरह से वहां पे नारे लगे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट आया, जो आईएसआई का अड्डा बनेगा इस तरह से, उसको लेकर उनकी आपत्ति है, कह रहे हैं कि माहौल इससे खराब हो रहा है। मैं कोई गलत थोड़े ही कहा हूं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आ गया वही तो मैं कह रहा हूं। अगर वो वीडियो नहीं आता तब तो ये मुझ पर आरोप लगाते। चुनाव में भी एक खास समुदाय के लोगों ने जहर घोलने का काम किया, चुनाव जीतने के लिए आरजेडी ने, मैं आज भी कह रहा हूं, एक कट्टरवादिता का नया मैदान खड़ा कर रहा है, नया प्लेटफॉर्म बना रहा है, जो केवल बिहार के लिए नहीं देश के लिए घातक होगा। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल खराब करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उनका इशारा किसकी तरफ है, आरजेडी की तरफ या आप लोगों का जो बयान है या उसकी, आप इसको उनके बयान को किस रूप में लेते हैं? उनका बयान एक मुख्यमंत्री के नाते एक निष्पक्ष बयान है। जो भी माहौल खड़ा करने की कोशिश करेंगे, खराब करने का, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये देखना होगा कि माहौल किसने खराब किया। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, क्या गिरिराज सिंह और बीजेपी के लोगों ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद? ये नारे भारत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, बिहार में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गिरिराज सिंह इसका प्रतिकार करता रहेगा, चाहे मुझे जो सजा भुगतनी पड़े। आप शुरू से ही अपने खुले विचार के लिए जाने जाते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं पहले से भी। अभी जो आपने विचार रखा है, उसके बाद एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं बिहार में, उनके भीतर भी कुछ लोगों को खलबली है। जो ये खासतौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उपचुनाव के हार के बाद चिराग पासवान, रामविलास पासवान दोनों ने मुलाकात की थी नीतीश कुमार से, उसके बाद ही इस तरह के बयान आए। और कल चिराग पासवान ने साफ साफ शब्दों में कहा, खासतौर से आपका नाम लेकर, कि गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे जैसे जो लोग बयान देते हैं उससे गठबंधन की स्थिति खराब होती है, माहौल एक तरह से खराब होता है, परसेप्शन खराब होता है। देखिए, बिहार में अगर कोई नारा लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता, मैं पद से इस्तीफा दे सकता। क्या हमारे पूर्वजों ने, शहीद भगत सिंह ने इसी दिन के लिए आजादी दिलाई थी? पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत माता के दो टुकड़े किए गए। और ये जो लोग कहते हैं उन्हें मुबारक, लेकिन मैं सब कुछ त्याग सकता लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे कारण अगर कहीं बाधक होगा एनडीए, तो मैं सरकार और संसदीय चुनाव से, राजनीति से अलग हो जाऊं, लेकिन इसे नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा बयान दे रहा हूं, अब मैं सोच समझ के बयान दे रहा हूं। अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे,
तो उस पर गिरिराज सिंह जैसे लोग प्रतिकार करेंगे, उसके विरोध में आवाज उठाएंगे, चाहे मुझे जो खामियाजा भुगतना पड़े। अगर मेरे कारण गठबंधन को नुकसान होता है तो मैं हर पद से हटने को तैयार हूं, लेकिन इस नारे का प्रतिकार करूंगा। आप बीजेपी बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वहां पर बिहार में जो बीजेपी के सहयोगी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हुए, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, इसमें देखने को मिल रहा है, अलग मैं बात करूं अलग संदर्भ में, तो उपचुनाव के बाद नीतीश कुमार रामविलास पासवान करीब आ रहे हैं, आपको लगता है कि दोनों की तरफ से बीजेपी के ऊपर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि दोनों का चूंकि विचार एक रहा है, समाजवादी विचारधारा के रहे हैं, तो दोनों करीब आ रहे हैं? मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये काम है बिहार के शीर्षस्थ नेता सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, इन लोगों का काम है, नहीं तो देश के शीर्षस्थ नेता अमित शाह जी, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय और प्रधानमंत्री का काम है। मेरा काम जो है मैं आपके सामने रखा हूं, वो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, भारत तेरे टुकड़े होंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बर्दाश्त कर सकता। आखिर में एक सवाल गिरिराज जी, बिहार में एनडीए के भविष्य को कैसे देखते हैं? चूंकि 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त नीतीश कुमार अलग थे और रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ आए थे, अब नीतीश कुमार भी साथ आ गए हैं, एनडीए के भविष्य को कैसे, बीजेपी के भविष्य को बिहार में 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कैसे देखते हैं? क्योंकि उपचुनाव में जो हार के बाद कई तरह की बातें कही जा रही हैं। बिहार में कोई हार नहीं हुई है, बिहार में क्या हार हुई है? मुंद्रिका यादव वहां से विधायक थे जहानाबाद से, और भभुआ में बीजेपी के विधायक थे तो हम भभुआ जीते, अब पिछले के मार्जिन से ज्यादा मार्जिन से, दुगने मार्जिन से जीते। अररिया में चार विधानसभा, छह लोकसभा के छह विधानसभा में, छह विधानसभा है अररिया में लोकसभा में, जिसमें चार में बीजेपी जीता, दो में एक खास समुदाय के लोगों ने जिस ढंग से माहौल बिगाड़ करके, हम वहां हारे। हम बिहार में एनडीए चुनाव नहीं हारा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में एनडीए का भविष्य भी बिहार में उज्जवल है और बिहार में हमारी हार नहीं हुई है, इनका दावा है, और अपनी बात पर फिर से उसी तरह से अड़े हुए हैं जैसा पहले कहते रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।